हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टिप्स फॉर स्टडी में। और ये मेरा जो है ना चल रहा है सीरीज बी वर्ड पे इडियम फ्रेजेस। ठीक है, ए पे जो है ना सारा का सारा कुछ करवा दिया गया है और उसे अपलोड भी कर दिया गया है। ठीक है, और ये जो है एमबी पब्लिकेशन बुक से करवाया जा रहा है। आप देख ही रहे हैं, ये देखिए एमबी पब्लिकेशन बुक से करवाया जा रहा है सारा का सारा चीज़। ठीक है, इससे पहले जो है ना हमारा वीडियो अपलोड हो चुका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। ठीक है, और ये जो है अभी ईडियम फ्रेजेस चल रहा है। ठीक है, तो ये बी वर्ड पे चल रहा है, ए पे अपलोड हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे ढूंढ सकते हैं। और बी वर्ड पे जो है ना एक वीडियो जो है ना अपलोड कर दिया है मैंने, और ये दूसरा वीडियो है। और ये जो है ना एक एक वर्ड जो है ना इसमें एक एक वर्ड जो भी ईडियम फ्रेजेज है एक एक का जो है ना ट्रिक के माध्यम से जो है ना बताया जा रहा है इस वीडियो में। ठीक है, आपको सारा का सारा कुछ ट्रिक के माध्यम से किसी न किसी रूप में जो है ना आपको याद करवा दिया जाएगा, कहानी के द्वारा, ट्रिक के माध्यम से, कोई किसी भी तरह से आपको याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि एमबी पब्लिकेशन बुक आप खरीद लीजिए और उसी से जो है ना पढ़ा कीजिए। ठीक है, और आपको याद करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि सारा का सारा कुछ मैं यहीं पे आपको लर्न करवा दूंगा, ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, तो आप जल्दी जल्दी समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा जो है ना स्पेशल वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का उसका भी अपलोड हो चुका है। ठीक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और एमबी पब्लिकेशन बुक से ही है, और ये हमारा बी वर्ड पे चल रहा है अभी, इडियम फ्रेजेस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने जहाँ तक बताया था आपको बी टेकन अबैक, तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे का। बैट एंड आईलेड, प्रतिक्रिया या भावे। ठीक है, बैट एंड आईलेड, बैट क्या होता है, चमगादड़। चमगादड़ क्या होता है, दिन में मतलब वो एक तरह से अंधा ही होता है, उसके आंखों के सामने कुछ भी आप कीजिए कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देगा। ठीक है, बैट एंड आईलेड, क्योंकि उसको दिन में कुछ दिखता ही नहीं है, तो प्रतिक्रिया या भावे। ठीक है, नॉट, नॉट भी अगर लग, ये नॉट का मतलब ये है कि आपको अगर एग्जाम में कुछ पूछेगा, ठीक है, तो उसके आगे में नॉट भी लगा हुआ हो सकता है, नॉट बैट एंड आईलेट, या फिर नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग होगा ना ये यही होगा, प्रतिक्रिया या भाव है। ट्रिक यही है कि बैट एंड आईलेट मतलब बैट है, उसके आंखों के सामने आप कुछ भी ऐसे ऐसे कीजिए, कोई भी इशारा कीजिए, वो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वो दिन में जो है ना उसको कुछ दिखता ही नहीं है। ठीक, तो बैट एंड आईलेट इसका मतलब हुआ प्रतिक्रिया या भावन। चलिए अब आगे चलते हैं। बियर इन माइंड, इसका मतलब है किसी बात का ध्यान रखना। माइंड, इसमें माइंड वर्ड को जो है ना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो माइंड वर्ड से क्या हुआ, ध्यान रखना, माइंड, माइंड रखना, माइंड रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, बियर इन माइंड। बियर फ्रूट, सफल होना, अच्छा परिणाम देना, फ्रूट, बियर फ्रूट, फ्रूट जन्म लिया भाई, ये फ्रूट फ्रूट हुआ भाई, फ्रूट जन्म जन्म लिया, इसका क्या मतलब हुआ, सफल होना, अच्छा परिणाम देना, फ्रूट मतलब तो समझ ही गए परिणाम। ठीक है ना, तो फ्रूट से आप समझ जाएंगे कि हाँ तो किसी परिणाम सफलता का भी बात हो रहा है। बियर द ब्रंट, बुरा परिणाम भुगतना, ब्रंट, इसको बियर द और इसको चलना, बर्न समझ लेंगे। ठीक है, बर्न, बर्न वर्ड समझेंगे इसको। ठीक है, बर्न, बियर द बर्न मतलब वो जल गया, तो इसके ना मतलब बियर द बर्न मतलब वो जल गया। ठीक है, एक तरह से समझेंगे, बर्न मतलब वो जल गया, तो किसी बुरा काम किया होगा उसी का उसको परिणाम मिला, जल गया वो, आग लग गया उसके शरीर में, खाना बना रहा था आग लग गया, तो इसका मतलब ये समझेंगे कि बुरा परिणाम भुगतना, यानी कि कोई बुरा काम किया होगा वही भुगत रहा है। ठीक है, बर्न, तो पर ब्रंट मतलब ये वर्ड पकड़ेंगे। ठीक है, इसमें और इसका कहानी याद रखेंगे कि बुरा काम किया होगा तो जल गया, तो बुरा परिणाम भुगतना। ठीक है, बियर द पाम, बियर द पाम का मतलब हुआ प्रमुख या प्रसिद्ध होना। ठीक, आपने किसी के शरीर पे मतलब माथे पर हाथ रख दिया, ऐसे आयुष्मान होगा। ठीक है, और आपने उसको आशीर्वाद दिया, इसका आशीर्वाद से जो है ना वो कल को बड़ा आदमी बन गया। ठीक है, तो वो प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्ध
प्रमुख हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया भाई। आप किसी के भी आप शरीर पे हाथ रख दोगे माथे पे और वो प्रसिद्ध हो जा रहा है, तो आपको क्या बोलेगा भाई? हाँ ये तो यार प्रसिद्ध कर देता है, किसी को भी हाथ रख देता है शरीर पे प्रसिद्ध हो जाता है। पियर द पाम, पाम इस वर्ड में याद रखेंगे, ठीक है? तो प्रमुख या प्रसिद्ध होना। बियर ए रिट्रीट, बियर ए सॉरी बीट ए रिट्रीट, किसी जल्दी किसी जगह से जल्दी से वापस हो जाना। बियर ए रिट्रीट, किसी जगह से जल्दी से वापस हो जाना खतरे के कारण। आप कहीं गए हैं, आपको खतरा महसूस हुआ तो आप वहां से वापस लौट गए हैं, तो ये क्या हुआ? बीट ए रिट्रीट, बीट ए रिट्रीट। बीट मतलब आपको लगा कि यार कोई मुझे पीट देगा, ठीक है? आपको लगा कि भाई कोई मुझे पीट देगा, ठीक है? तो इसमें जो है रिट्रीट, इसका मैंने वर्ड देखा, मतलब इसका मीनिंग देखा मैंने नेट पे, तो इसका लिखा था वापस होना। तो आप जो है ना एक बार चेक कर लेना, ठीक है? ऐसे मैंने इसी का साथ देखा था, ठीक है? तो बीट ए रिट्रीट, वापस होना। अब वापस होना इसमें आ गया, ठीक है? वापस होना। और बीट, बीट का मतलब हुआ कि पीटने के डर से या फिर खतरे के कारण, समझ लेना, ठीक है? बीट मतलब पीटने के डर से, पिटाई बीट दिया मतलब बीट, ठीक? रिट्रीट वापस हो जाना, इनकी पिटाई के डर से वापस हो जाना, या फिर खतरे के कारण जो है ना, असली जो मीनिंग है उसका ये, खतरे के कारण वापस हो जाना, तो इसको बोलेंगे बीट ए रिट्रीट, खतरे के कारण वापस हो जाना। रिट्रीट मतलब वापस हो जाना, ठीक है? अब आगे चलते हैं। बीट अबाउट द बस, मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना। बीट अबाउट द बस, बस मतलब क्या होता है? झाड़ियाँ, ठीक है? अब किसी भाई बोलना कुछ हो। अब मान लिया जाए कि आपको बोल दिया जाए कि भाई सड़क पे चलना है, आप सड़क पे नहीं चल रहे हो, ठीक है? और झाड़ियों में घुसे जा रहे हो, झाड़ियों रोड किनारे जो झाड़ियाँ हैं उसमें जाके घुसे जा रहे हो। आपको बोला जा रहा है कि भाई रोड पे चलो, और आप जो है ना झाड़ियों में घुसे जा रहे हो, तो आपको क्या बोलेगा सब? अरे रोड पे चलो यार, झाड़ियों में चल रहे हो। तो मतलब जो कहा जाए वो नहीं कर रहा, जो नहीं कहा जाए उस वो कर रहा। यानी कि मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना, बीट अबाउट द बस, ठीक है? रोड पे चलने के लिए बोल दिया तो चला झाड़ियों में जा रहा है, समझ रहे हो? तो मुद्दे से हटकर इधर उधर की बातें करना है, मतलब समझेंगे इसका मतलब, ठीक है? रोड पे बोलने के लिए बोल दिया गया भाई चलो रोड पे, जा रहा झाड़ियों में, मतलब जो कहा जा रहा है वो नहीं कर रहा, जो नहीं कहा जा रहा वो कर रहा है, ठीक है? तो मुद्दा चल रहा है कुछ और, बात कुछ और कर रहा है, समझ गया?